और अब बात प्रश्नकाल में उस खबर की जिससे देश का हर कोई हलकान है। आज लगातार 10वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ। पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में आज पेट्रोल 77 रुपए 17 पैसे बिका, डीजल 68 रुपए 34 पैसे। वहीं मुंबई में आज पेट्रोल का भाव 84 रुपए 99 पैसे और डीजल 72 रुपए 76 पैसे का रहा। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम से मोदी सरकार निशाने पर है। विपक्ष ने सड़क पर मोर्चा खोल रखा है तो वहीं आम लोग त्रस्त हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब क्रूड ऑयल के दाम साल 2014 से क्यों हैं? वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि हम दीर्घकालिक योजना लेकर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़क पर भी मोर्चा खुला हुआ है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रस्सी से गाड़ी खींचकर विरोध जताया। पार्टी के दफ्तर से कांग्रेस के कार्यकर्ता गाड़ी को खींचते हुए लेकर सड़क तक आए। वहीं कानपुर में लोगों ने पेट्रोल पंप पर बाइक की सेल लगा दी। इनका कहना है कि पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है इसलिए बाइक ही बेच देंगे। कांग्रेस ने देहरादून में भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और पेट्रोल डीजल की अर्थी निकालकर विरोध जताया। क्या तमाशा करते थे लोग पेट्रोल और डीजल को लेकर के, महंगाई को लेकर के। उस जमाने के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय 140-135 पहुंच गए थे। उस जमाने के अंदर तब जो रेट थी वो रेट वहां कम हो चुकी है, 40-50 भी आ गई, तब भी आपके यहाँ रेट बढ़ती जा रही है। मतलब डाका डाल रही है बीजेपी की सरकार, एनडी की सरकार आम जनता की जेबों पर डाका डाल रही है। जहां तक डीजल और पेट्रोल की कीमत का सवाल है, इस पर चर्चा भी हो रही है, चिंता भी हो रही है। आपको मालूम है कि हमारी सरकार ने पूरे इसको डीरेगुलेट किया था और कई बार इसकी प्राइसेस कम भी हुई है, काफी कम हुई है। अब इस संदर्भ में सरकार में चर्चा चल रही है कि इसका एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर करके इसका निर्णय किया जाए। माने तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी चिंतित हैं और शायद यही कारण है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग से वित्त मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक की। हालांकि कल ही अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बता दिया था कि सरकार और संगठन में इस मुद्दे को लेकर काफी चिंता है उच्च स्तर पर, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बैठक बुलाई और अब माना जा रहा है कि सरकार जल्दी इस मुद्दे पर जनता को बड़ी राहत दे सकती है। इस बीच यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने एक फॉर्मूला सुझाया और कहा कि सरकार चाहे तो पेट्रोल 25 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है। एक के बाद एक कई ट्वीट कर चिदम्बरम ने कहा कि केंद्र सरकार हर एक लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए ले रही है और ये सीधे तौर पर लोगों का पैसा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी के चलते सरकार हर एक लीटर पर 15 रुपए बचा रही है। इसके बाद वो 10 रुपए का टैक्स भी लगा रही है। ये मुमकिन है कि प्रति लीटर 25 रुपए तक की कमी कर दी जाए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। वह पेट्रोल की कीमत में 1 या 2 रुपए की कमी करके लोगों को बहलाएगी। चिदम्बरम भले ही आज मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल सस्ता करने का फॉर्मूला सुझा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे तब उन्होंने ये फॉर्मूला खुद क्यों नहीं लागू करवाया था। उधर चिदम्बरम के फॉर्मूले पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि टैक्स से ही देश का विकास होता है, सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं। प्रश्नकाल में एक छोटा सा ब्रेक।